पाकिस्तान जैसे ट्रॉपिकल कंट्री में समर विंटर के कंपैरिजन में लंबा होता है और इसको डील करना उतना ही मुश्किल है ना। विंटर में गर्म कपड़ों की तह लगाकर सर्दी को रोका जा सकता है, बट समर तो हमें ठंडे कमरे तक ही महदूद कर देता है। सो लेट्स सी हाउ आई गेट माई होम रेडी फॉर समर फॉलोइंग दीज हैबिट्स। इफ़ इट्स यूजफुल देन डू सब्सक्राइब माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइव्स। सबसे पहला चेंज है बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए लिक्विड्स कंज्यूम करना। अब वो लिक्विड पानी से शुरू होकर फ्रेश फ्रूट जूसेस, स्मूदीज, शेक्स वगैरह कुछ भी हो सकता है, जिनके अंदर मैं ये दो चीज़ें तो ज़रूर ऐड करती हूँ। सबसे पहले तो ये कतीरा गूंद है, जिसको मैं रात को भिगो कर रख देती हूँ और दिन को कोई भी ड्रिंक बनाऊँ, लाइक स्कंजवीन, शेक्स, कुछ भी बनाऊँ, उसमें मैं डाल के देती हूँ, जिससे जिगर ठंडा रहता है। दूसरी चीज़ है ये तुखम्बा लंगा, जिसको हम बेजल सीड्स भी कहते हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है समर में हर किस्म के ड्रिंक में, और ख़ासकर ये कच्ची लस्सी, ये जिनके चेहरे पर दाने होते हैं उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। और मैं तो ये अपने यूथ टाइम से अब तक इसको कंज्यूम करती आ रही हूँ। और काला नमक जो है इन ड्रिंक्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, और इससे आपका BP भी हाई नहीं होता और ये इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो ये कच्ची लस्सी तो बिल्कुल रूटीन में बना लेती हूँ। उसके अलावा कैस्टर शुगर, यानी कि शुगर को ग्राइंड करके मैं बॉटल में डाल के रखती हूँ, जिसके लिए स्कंजवी वगैरह बनानी या कुछ और भी ड्रिंक वगैरह बनाने, तो उसके लिए फिर मुझे ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो इसको मैं डालती हूँ और ये फ़ौरन मिक्स हो जाता है। तो इस तरह के ड्रिंक्स आप प्रेफर किया करें, क्योंकि ये जो फिज़ी ड्रिंक्स और जितने भी हमारे ये कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं ना, कैंड फ्रूट जूसेस, ये सब अनहेल्दी ऑप्शंस हैं। उसके अलावा टाइम टू टाइम ना घर में मैं इस तरह के ये डिटॉक्स ड्रिंक्स भी बना कर रख लेती हूँ, जिसमें ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड कुकम्बर और मिंट और अदरक डालकर इस तरह इसको मैं कैरी करके साथ भी लेके जाती हूँ और घर में भी इस तरह इसको कंज्यूम करती रहती हूँ। इनके अलावा जितने भी शेक्स हैं, जैसे आजकल स्ट्रॉबेरी है, तो उसको अच्छा खासा मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ और आउट ऑफ सीज़न भी मैं उसको समर में पूरा समर इसके शेक्स बनाकर यूज़ करती हूँ। तो मैंगो तो स्टेपल फ्रूट है ना समर्स का, तो उसकी मैंगो फ्रूटी भी बनाकर मैं रखती हूँ। बाज़ार से बिल्कुल भी स्क्वैश वगैरह मैं प्रेफर नहीं कर रही होती, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स डलते हैं। और हाँ, ये मिंट मार्गरेटा तो बच्चों को बहुत पसंद होता है। मिंट तो हमारा वैसे भी हमारी स्किन के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है, और आजकल सत्तू का शरबत, जिसके अंदर मैं ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ और बेजल सीड्स भी यूज़ करती हूँ, तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है और आराम से बन जाता है ईजीली। उसके अलावा ये फालसे भी मैं स्टोर करके रखती हूँ, और गर्मियों में सारी गर्मियाँ मैं इसी ड्रिंक को यूज़ करती हूँ, गेस्ट को भी एंटरटेन करती हूँ, और साथ मिंट तो उसको ज़बरदस्त बना देता है। तो जितनी भी पानी की बॉटल्स हैं ना समर में, उनको सबको मैं स्टैंड बाय रखती हूँ। उनको वॉश करने का तरीका अपनी वीडियो में मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो जितने भी हमारे घर में बच्चों की टेबल पर, हर जगह पर मैं इसको ना यूज़ करने के लिए सबकी अलग अलग बॉटल्स रखती हूँ, ताकि फ्रिज में भी रखी जाएँ और जिस जिस जगह पर भी चाहूँ ना मैं इसको रख सकूँ। तो इससे ये है कि बच्चों को फिर पानी पीने में मुश्किल पेश नहीं आती। हाँ, एक और मुश्किल उनकी मैं आसान कर देती हूँ। घर में कॉमन जगहों पर, जैसे हमारा डाइनिंग एरिया होता है, या बच्चों की कंप्यूटर टेबल्स होती हैं, या हमारे बेडरूम्स होते हैं, ताकि बच्चों को ये बहाना न रहे कि उठकर पानी पीना पड़ेगा। हाँ, इंसानों को नहीं, हम जानवरों को और परिंदों को भी याद रखेंगे, तो उसके लिए ना एक बर्तन मैं नहीं लेती रूटीन में, तो एक बर्तन भी यूज़ हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे समर स्टार्ट होता है ना, तो मैं उनके लिए थोड़े से ज़्यादा पॉट्स ले आती हूँ और घर में जगह जगह रख देती हूँ, ताकि पानी के लिए एटलीस्ट परिंदों को परेशान ना होना पड़े, और इसी तरह ही उनको प्यास लगती है जैसे हमें लगती है। इस तरह के इलेक्ट्रिक कूलर्स घर के बाहर से गुजरने वालों के लिए मौजूद होना किसी कारे खैर से कम नहीं। अगर ये नहीं, तो एटलीस्ट सिंपल वाटर कूलर और इवन मिट्टी का घड़ा भी डेडिकेट कर दिया जाए, तो इंसानियत का भी भला और रब भी राजी। तो ये इंतज़ाम आप ज़रूर करें अपनी इस्तेआत के मुताबिक। और पौधों को तो नहीं भूलना ना, पौधों को भी समर में मैं दो टाइम पानी देती हूँ, एक तो अर्ली इन द मॉर्निंग और एक शाम के वक्त, ना तो बहुत ज़्यादा दोपहर को और ना ही रात को। तो ये दो टाइम फिक्स कर लेती हूँ, समर जैसे स्टार्ट होता है तो पौधे एकदम हेल्दी रहते हैं। उसके अलावा जितने भी घर के टॉवल हैं ना, उनको मैं तेज़ धूप में
ड्राई करने के लिए रखती हूँ। जैसे जैसे कोई यूज़ करता है और उसके बाद ला के बाहर तेज़ धूप में डाल देती हूँ ताकि अच्छे से वो हाइजीनिक भी हो जाएं और अच्छे से ड्राई भी हो जाएं। और गर्मियों में कोशिश करती हूँ कि सब फैमिली मेम्बर्स का एक एक एक्स्ट्रा टॉवल हो, क्योंकि ज़्यादा वॉशरूम यूज़ होता है, नहाना भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए एक से ज़्यादा होते हैं। और जितने भी पहनने वाले कपड़े होते हैं ना, उनको मैं शाम के टाइम डालती हूँ या कम धूप में डालती हूँ, क्योंकि उनके फिर रंग ख़राब होने का खदशा होता है। और उसके अलावा जैसे ही समर स्टार्ट होता है ना, तो हमारे कॉटन के कपड़े जेंट्स हों या लेडीज़, तो उनको माया लगनी शुरू हो जाती है, तो उसको उसके लिए भी माया को स्टोर कर लेती हूँ। इसकी डेडिकेटेड वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, इसका पूरा प्रोसेस के किस तरह से कपड़ों पर घर में ही माया अप्लाई करते हैं, क्योंकि आए दिन डेली तो जेंट्स ने पहनना होता है, तो इस तरह अगर हम बाज़ार में भेजेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ जाता है। अब आती है रूम की कूलिंग की बारी। तो ये एसी के ऊपर जितने कवर थे ना विंटर में, मैंने आपके विंटर की वीडियोज़ में बताया था कि इनको कवर कर लेती हूँ, तो बस इस तरह से मैं उनको फिर उतार के उनकी सफ़ाई कर लेती हूँ। और सिर्फ आउटर ही सफ़ाई नहीं, इनकी जो इनर वाली सफ़ाई भी है ना, इनके ये जितने भी अंदर फिल्टर लगे होते हैं, तो इसकी भी डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। DIY क्लीनर घर पर ही बनाती हूँ और बस इसको खुद ही वॉश कर लेती हूँ। अब ये फ़िल्टर तो मेरे से साफ़ हो जाते हैं, लेकिन ये जो एसी का काम होता है ना, ये घर के जेंट्स कर लेते हैं। बस एक छोटे से ब्रश का काम होता है, और DIY क्लीनर तो मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो में, तो बस उसको अप्लाई करके अच्छे से हमारे घर के एसी भी साफ़ हो जाते हैं। अब एसी वाले कमरे की कूलिंग ज़्यादा आउट ना हो जाए, उसके लिए इस तरह के ये डोर सेवर मिलते हैं, बहुत ही चीप रेट्स पर होते हैं, लाइक ये 100 रुपीज़ में आया था। तो बस इस तरह से एसी वाले रूम की कूलिंग को बचाने के लिए, क्योंकि थर्मोस्टेट जो है वो जल्दी से जल्दी ट्रिप करेगा और उससे फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है, तो इनको मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो अगर एसी नहीं तो इस तरह के रूम कूलर जो हैं उनकी भी जालियाँ चेंज करवाने वाली हो जाती हैं। तो अगर चेंज करवाऊँ बाज़ार से, घर में भी वैसे हो जाती हैं, लेकिन एटलीस्ट कूलर को अच्छे से बाहर से अंदर से साफ़ कर लेती हूँ। और हाँ, फ्रिज को टाइम टू टाइम, विंटर में तो इतनी जल्दी साफ़ नहीं होती क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं होती, क्योंकि समर में बहुत ज़्यादा फ्रिज बार बार खुलती है, यूज़ होती है, चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो इसको वीक में 2 दफ़ा मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ ताकि ये प्रॉपरली वर्क करे और कूलिंग में फ़र्क ना आए और हमारी चीज़ें ख़राब ना हो। अगर इस तरह की बात हो रही है तो ये जो एग्स होते हैं ना, समर में मैं इनको ना फ्रिज में रखना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि विंटर में तो बाहर भी पड़े रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन समर में मैं इनको फ्रिज में ही स्टोर करना प्रेफर करती हूँ। तो उसके अलावा ये जो हमारा वाटर डिस्पेंसर होता है ना, उसको भी स्टैंड बाय कर देती हूँ। विंटर में तो ये ऑफ मोड पर भी चल रहा होता है, लेकिन समर में चूंकि ज़्यादा यूज़ होना होता है, तो इसकी डीप क्लीनिंग जो है ना वो भी मस्ट हो जाती है, तो जल्दी हो जाती है। विंटर में तो इतनी जल्दी नहीं होती, लेकिन समर में फिर ना कोई तकरीबन 2 वीक के बाद इसके अंदर के ये सारे जो अटैचमेंट्स हैं ना, उनको निकाल कर अच्छे से ब्रश के साथ घर में ही मौजूद बस जो हमारा डिश वॉशिंग लिक्विड होता है सिंपल, वो अप्लाई करके तो इसको साफ़ कर देती हूँ ताकि ये बिल्कुल हाइजीनिक हो जाए और हमारा जो पानी है जो ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ होना होता है वो बिल्कुल साफ़ रहे। और उसके बाद उसको मैं ऑन करके तो इसको कूलिंग मोड पे कर देती हूँ। अब ये जो हमारे कर्टन्स होते हैं ना, इनको भी समर के अकॉर्डिंग हमें सेट करना होता है। लाइक आगे की तरफ मैं इस तरह के नेट के जो स्लीक से होते हैं ना, जो सी थ्रू भी होते हैं, उनको कर लेती हूँ। और दोपहर के टाइम जब हमने बिल्कुल ब्लाइंड यूज़ करने होते हैं, कमरे में अंधेरा चाहिए होता है, तो पीछे से ना इस तरह के ब्लाइंड्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो मैं यूज़ करती हूँ ताकि मर्ज़ी से जब रूम को डार्क करना चाहें तो उसको आगे कर लें, अदरवाइज़ हम उसको हटा भी लें। तो इस तरह की समर में ऑप्शन बहुत अच्छी रह जाती है और कर्टन्स को मल्टीपर्पज़ली यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद हमारे फैंस भी जो होते हैं वो रूटीन में चलने होते हैं, तो ज़्यादा चलने की वजह से गंदे हो जाते हैं, बस उनको ना इस तरह एक कोई भी पुराना पिलो कवर लेती हूँ और इस तरह से सिंपली उसको ड्राई फॉर्म में ही साफ़ कर लेती हूँ। अगर जल्दी जल्दी साफ़ कर लिया जाए ना, तो फिर इनके ऊपर इनको वेट करके साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहते हैं। तो सर्दियों में हम इस तरह की वेलवेट की या मोटी स्टफ़ की बेडशीट यूज़ कर रहे होते हैं, अब इनका कोई काम नहीं है। इनको मैं पूरी तरह से हटा देती हूँ और इनकी जगह पर आती हूँ मैं कोई अच्छे कॉटन के लाइट कलर के और फ्लोरल प्रिंट्स के, बहुत ही ज़बरदस्त, जो कि कमरे की बिल्कुल लुक्स को ही चेंज कर देती हैं। तो इस तरह की बेडशीट्स मैं समर में यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। और इसका तरीका कि इसको किस तरह से हमने फ़िक्स करना है, ये मैं आपसे अपनी ऑलरेडी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो नीचे पिलो के एक और कवर चढ़ा के उसके बाद फिर उसकी शीट का कवर मैं डाल देती हूँ। और उसके अलावा बेड स्प्रेड उसके साथ ज़रूर यूज़ करती हूँ। और बेड स्प्रेड के अलावा ये जो
एसी में यूज़ होने वाले कंफर्टर्स होते हैं ना, बस इनको बाहर निकालती हूँ, ब्लैंकेट्स और रज़ाइयों को अंदर लॉक किया और ये कंफर्टर्स निकाल लिए। बहुत ही कोज़ी और बहुत ही लाइट वेट, बड़े अच्छे रह जाते हैं। जब भी मैंने घर से बाहर निकलना होता है ना, तो उससे पहले मैं इसी तरह से नहीं निकल जाती। मास्क तो डेफिनेटली हमने पहनना ही होता है, लेकिन उससे पहले ना मैं अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि आजकल सूरज में तेज़ी आ जाती है, और यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई सन टैन ना हो जाए, सन बर्न ना हो जाए, तो इस तरह के मैं प्रोटेक्टर्स यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। और बस एक लेयर सी लगाती हूँ और उसके बाद फिर मुझे बाहर जाना होता है, तो ये लगा के फिर इस तरह से मेरी टैनिंग नहीं होती, स्किन के ऊपर किसी किस्म का कोई हार्म या बर्न्स नहीं होते। और हाँ, अम्ब्रेला ज़रूर साथ कैरी करती हूँ जब भी बाहर जाना होता है, और मेरे शेड्स जो हैं वो भी डेफिनेट हैं, क्योंकि हमने अपनी आइज़ को भी प्रोटेक्ट करना होता है। इतनी ज़्यादा गर्मी और लू वाली गर्मी होती है, अवॉइड करती हूँ ज़्यादा बाहर निकलना गर्मी में, लेकिन अगर निकलना पड़े तो इस तरह से। और वापस आते साथ ही फ़ौरन ही मैं अपना फ़ेस वॉश करती हूँ, बिल्कुल लाइट से फ़ेस वॉश के साथ। और हाँ, उसके अलावा, अपना फ़ेस वॉश करने के अलावा, एक मेरी बहुत आदत है कि ख़ासकर समर में 5 वक्त नमाज के दौरान तो हमारे पैर साफ़ होने ही होते हैं, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ, वापस आती हूँ, घर में भी काम करते हुए पैर ज़रूर साथ साफ़ करती रहती हूँ। तो ये जो हमारा पहनावा होता है ना लॉन के स्टफ़ का, उसके लिए वाइब्रेंट से और पेस्टल कलर्स और फ्लोरल प्रिंट्स को मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि डेंस और डार्क कलर्स तो सर्दियों में अच्छे लगते हैं, और दूसरा ये कि लाइट कलर्स जो होते हैं ना, वो हीट के अच्छे रिफ्लेक्टर्स होते हैं, यानी कि जो हमारी सन रेज होती है ना, उनको रिफ्लेक्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं, और हमें गर्मी का एहसास कम होता है, और आंखों को भी देखने में इस तरह के फ्लोरल और पेस्टल कलर्स और लाइट कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। और हाँ, जब मैं बाहर जाती हूँ ना, कोशिश करती हूँ कि वीक में एक दफ़ा ही बाहर जाऊँ, और जितना भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो स्टफ़ है ना, जो सारे वीक में यूज़ होना होता है, एक ही दफ़ा मैं ले आऊँ, मुझे बार बार धूप में ना निकलना पड़े, क्योंकि इतनी गर्मी होती है, जितना भी बाहर जाना हो, कम हो, उतना ही ज़्यादा अच्छा है। और सब्ज़ियों को ला कर फिर एक दिन अच्छे से उनको मैं संभाल लेती हूँ, सारे वीक का प्लान कर लेती हूँ समर में, क्योंकि बाहर निकलना बार बार पॉसिबल नहीं होता। तो जब प्लान किया हो ना, तो आपको पता होता है कि आज क्या बनना है और कल क्या बनना है, तो पूरे वीक का प्लान कर लिया जाता है समर में, तो हमारे अपने लिए ही बहुत इजी हो जाता है और हमारी लाइफ इजी हो जाते हैं। अब जब किचन की बात हो रही है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि पराठे, स्टफ़ पराठे हों या प्लेन पराठे हों, मैं टाइम टू टाइम इनको फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, क्योंकि गर्मी में किचन में खड़े होकर पराठा रोटी बनाना तो सबसे मुश्किल काम लग रहा होता है। तो बस एक दिन मैं इनको इस तरह से लेयर करके तो रख लेती हूँ, तो ये होता है कि तकरीबन एक वीक के तो बनाकर इस तरह बॉक्स में कोई 15-20 पराठे और स्टफ़ पराठे अकॉर्डिंगली मैं बनाकर रख लेती हूँ, जिसके लिए ये होता है कि आगे फिर पूरे वीक में मेरा बहुत कम टाइम लगता है किचन में। और इस तरह के बर्फ़ के प्याले जो होते हैं ना, जो फ्रीज़ करनी होती है हमने, तो उसके लिए ये सिल्वर के प्याले यूज़ करती हूँ, और ये जो ट्रेज होती हैं, सिलिकॉन ट्रेज और प्लास्टिक ट्रेज, उनको जितनी भी हूँ मैं स्टैंड बाय कर लेती हूँ, बाहर निकाल लेती हूँ। जब आटा गूंथती हूँ, एक तो बाज़ार से आटा बहुत कम क्वांटिटी में, लाइक अगर 10 किलो का थैला आ रहा था तो अब 5 किलो का लाती हूँ, और जब भी आटा गूंदने लगती हूँ तो उसमें थोड़ी सी बर्फ़ डाल के फिर आटा गूंथती हूँ, तो ज़्यादा देर तक चलता है, और बस उसी दिन का, जिस दिन यूज़ हो जाए उसी दिन का आटा गूंथती हूँ। उसके अलावा किचन में कुछ और काम इस तरह के होते हैं ना, जैसे टोमेटो प्यूरी बना ली, तो इस तरह हमारे ये जो क्यूब्स हैं, ये जिप लॉक बैग्स में मैं डालकर फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो मेरा ना खाना बनाने का टाइम बहुत कम लगता है। इसी तरह से आपका जिंजर हो गया या गार्लिक हो गया, उसको भी इस तरह से ना काट कर मैं स्टोर कर लेती हूँ, और इसकी पेस्ट भी बनाकर मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, लेकिन सिर्फ एक वीक के लिए। इसी तरह मिंट सॉस के क्यूब्स भी हैं, ये भी बड़े अच्छे रह जाते हैं, कोई बिरयानी रायता वगैरह बनना होता है तो फिर किचन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। प्याज भी इस तरह से या काट कर रख लेती हूँ, या इनको मैं फ्राई करके भी रख लेती हूँ, डिपेंड करता है मेरे पास कितना टाइम है। तो बस इस तरह से ये स्टोरेज की हो ना किचन में, तो गर्मी से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं, और हमारा काम जो है वो बहुत जल्दी किचन का सॉर्ट आउट हो जाता है। और उसके बाद ये घर में जितने भी ये मच्छर आने के जो भी रेमिडीज़, ये जितनी भी हो सकती हैं, मैं तो वैसे ये कॉयल प्रेफर कर रही होती हूँ, ये ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो इसको भी स्टैंड बाय रखती हूँ। इसका भी ये DIY ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया हुआ है, इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको ये मेरे समर हैक्स पसंद आए होंगे। तो आप में से कौन लोग क्या क्या यूज़ करते हैं इसमें से, मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच अप्रिशिएटिंग माई कॉन्टेंट।
content, new viewers do subscribe Womenia ATF and press the bell icon to get each notification from time to time. See you super soon in the next video. Till then, stay connected. Lots of love from my side. Thanks for watching. Allah Hafiz.